हेलो एवरीवन, वेलकम टू आहिल टेक। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और उन सारे वीडियोस के जो कमेंट बॉक्स है मैंने वहां पे जाके देखा तो बहुत सारे जो है कि क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देना चाहूंगा। इससे ये होगा कि जो भी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए होंगे या फिर करना चाहते हैं तो उनके मन में जो भी डाउट है वो सारा आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आप जो ये सवाल देख रहे हैं यही सवाल जो है कि वहां पे कॉमन क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। बिल्कुल 100% जेन्युइन और यहां पे बिल्कुल करेक्ट मैं आंसर आपको दूंगा, इससे आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकते और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी रुपए क्रेडिट कार्ड है जो कि मैंने अप्लाई किया था आज एक साल पहले और ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया था। नेक्स्ट इसके बाद से मुझे ये दूसरा क्रेडिट कार्ड स्नैपडील कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये मुझे मिल गया, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है और ये मैं दोनों क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ और दोनों रुपए वेरियंट का क्रेडिट कार्ड है जो कि काफी आसानी से मैं इसे UPI पे लिंक करके ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है इनका काम काफी स्लो होता है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है जो क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने में। तो इससे आप घबराइएगा, बात थोड़ा टाइम लगेगा मगर इसमें जो है क्रेडिट कार्ड जो इसका अप्रूवल चांसेस है ये ज्यादा है, ये ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांस है कि आपका अप्रूव हो जाएगा। हाँ, लिमिट आपका कम रहेगा मगर क्रेडिट कार्ड आपका जो है कि अप्रूव हो जाएगा, ये एक मानने वाली बात है। ये जो क्रेडिट कार्ड है इजी क्रेडिट कार्ड, इसका लिमिट मुझे 25,000 रुपये दिया गया था, बाद में मैंने 6 महीने इसे यूज किया उसके बाद से मैंने इसका लिमिट बढ़वा दिया तो अभी ये 25,000 से 32,500 का ये जो मेरा क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड का है, ठीक है, और ये दोनों क्रेडिट कार्ड एक ही लिमिट पे यहाँ पे चलते हैं, मर्ज कर दिया गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि वीडियो KYC के बाद से कार्ड अप्रूव्ड कब होता है। ये सवाल एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि वीडियो KYC तो हो गया, एक हफ्ता हो गया, कार्ड अप्रूव होने का कोई मैसेज नहीं आया। दरअसल बात यह है कि जब वीडियो KYC आपका कंप्लीट हो जाता है तो होने के बाद से ये जो है कि प्रोसेस में चला जाता है, उसके बाद से वहां पे चेक किया जाता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हुए हैं, तो वहां पे उन्हें कुछ डाउट दिखता है तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड आपसे करते हैं। जैसे अगर कुछ इनकम प्रूफ में कुछ मांगना होगा तो आपसे ITR मांगेंगे, ठीक है, सैलरीड है तो सैलरी स्लिप फिर से मांगेंगे या फिर ITR पिछले 2 साल का भी मांग सकते हैं, और करेंट एड्रेस में अगर कुछ उसमें दिक्कत लग रहा है तो करेंट रेजिस्टेंस प्रूफ आपसे मांग लेंगे। ये तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो डिमांड करते हैं, जो आपने अप्लाई करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी दिया था उसी पर वो मेल करके आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आप अपना ईमेल आईडी जरूर हर दिन चेक किया कीजिएगा, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया गया हो। और वो जो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे दे देते हैं तो उसके बाद से वो जो है कि अप्रूव के तरफ वो जो है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वीडियो KYC के बाद अप्रूव्ड ही हो जाए, वीडियो KYC के बाद से ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है क्या। एड्रेस वेरिफिकेशन जो कि होम वेरिफिकेशन या फिर ऑफिस वेरिफिकेशन, ये दो तरह का जो है कि एड्रेस वेरिफिकेशन आता है। तो मैं बता दूं कि मेरे केस में एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा हुआ था, मेरा होम वेरिफिकेशन हुआ था जहां मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरा परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम नहीं है। अगर आपके केस में अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो हो सकता है कि एड्रेस, होम एड्रेस तो वेरीफाई नहीं हो मगर ऑफिस एड्रेस आपसे जो है कि वेरीफाई किया जा सकता है। मेरे केस में होम वेरिफिकेशन हुआ था तो आपसे भी होम वेरिफिकेशन या फिर एड्रेस ऑफिस वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से जो है तीसरा क्वेश्चन जो है, अप्रूव होने के बाद कार्ड डिलीवर कब होता है। फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो KYC के बाद जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है उसके बाद से आप दे देते हैं, उसके बाद से वेरिफिकेशन हो जाता है, होम वेरिफिकेशन या फिर ऑफिस वेरिफिकेशन, सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है कुछ में नहीं होता है, ऐसे ही। इसके बाद से फ्रेंड्स जो आगे कार्ड अप्रूव्ड होने में आपको 10 दिन लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो है प्रोसेस इनका, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। 10 दिन के बाद से आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहां पे अप्रूव का मैसेज आपके SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। इसके बाद से फ्रेंड्स ये कार्ड जो है कि फिर अप्रूव होने के बाद कार्ड डिलीवर कब होता है,
ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अप्रूव्ड होने के बाद ये कार्ड जो है कि आपको डिलीवर होने में, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो स्पीड पोस्ट के साथ भेजा जाएगा, तो उसमें आपको एक हफ्ता से 10 दिन लग सकता है। अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो वहां पे आपको 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन में आपको ब्लू डार्ट से जो है कि मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। जो चौथा सवाल जो हमारा है कि सेकेंड क्रेडिट कार्ड कब मिलता है, ये पहला क्रेडिट कार्ड तो हमें मिल गया, फिर उसके बाद सेकेंड क्रेडिट कार्ड हमें कब मिलेगा, ये भी मैं जवाब आपको दे दूं। ये क्रेडिट कार्ड जब आप 3-4 महीने यूज कर लेंगे, ठीक है, इसको आप अच्छे से इसका जो है कि लिमिट यूज करेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड हो उसका लिमिट आप 30% से कम ही यूज कीजिएगा। इससे आपका जो है ना सिविल पर अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है, इससे आपका लिमिट जो है कि जल्दी इंक्रीज हो सकता है। तो ये आप अच्छे से इसको यूज करेंगे, टाइमली रिपेमेंट करेंगे, तो 3 से 4 महीने में आपको सेकेंड क्रेडिट कार्ड का आपको ऑफर आ जाता है नॉर्मली। कुछ केस में 6 महीने भी लग सकता है, मगर खुद से यहाँ पे ऑफर आपको मिल जाता है सेकेंड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि BOB आपको 2 क्रेडिट कार्ड रखने का बिल्कुल आसानी से जो एक ऑफर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये जो है कि आपको ऑफर मुझे मिल गया था 3 महीने बाद मुझे ये स्नैपडील का ऑफर मिल गया था, जो कि मुझे अच्छा लगा। ये क्रेडिट कार्ड ये काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, स्नैपडील वाला क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये रुपए वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, इस पे आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है, ठीक है ना, UPI पेमेंट करने पे। और ये काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जो इसमें जो है कि स्नैपडील का को ब्रांड है, तो इसमें 5% का कैशबैक स्नैपडील एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 महीने यूज कीजिए इसको अच्छे तरह से, पहला क्रेडिट कार्ड को, उसके बाद सेकंड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपको यहाँ पे काफी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ सवाल है जिनका जवाब मैं देने की कोशिश किया हूँ होगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर आपका इस बात का जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।